कोरोना महामारी से जहां आज पूरा विश्व एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इससे बचने के लिए अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। कुछ देशों ने तो अपने देश को लॉकडाउन नहीं करने का मन बना रखा है, मगर अधिकांश देशों ने इस लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना से लड़ने की मुहिम जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में भारत ने भी लॉकडाउन 4 तक जारी रखा। इस लॉकडाउन ने गरीबों का तो बुरा हाल कर ही दिया, मगर मध्यवर्गी एवं निम्न वर्गीय परिवार की भी कमर तोड़ के रख दी। अमीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन उनके समुद्र से कुछ जल निकल जाने से जल का स्तर नहीं गिर पाया, मगर इस विकट परिस्थिति में सरकारी मदद के अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थाओं एवं समाज सेवियों के हाथ मदद के लिए उठ रहे हैं। इसी क्रम में भागलपुर पंखा टोली के समाज सेवी मोहम्मद अमान खान ने अनूठी पहल से मानवता की जीती जागती मिसाल कायम रख दी है। ये रात के अंधेरे में उन घरों में जाकर चुपके से राशन पहुंचा रहे हैं जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार के हैं, जो अपनी इज्जत के खातिर भूख तो मर सकते हैं मगर भीड़ में राशन नहीं ले जा सकते। ऐसे लोगों को राशन पहुंचाना वाकई काबिले तारीफ की बात है। मालूम हो ये कार्य श्री खान प्रथम लॉकडाउन से प्रतिदिन लगातार कर रहे हैं। इनके द्वारा हबीपुर पंचायत, कबीपुर, मुजाहिदपुर, हुसैनपुर, पुरानी, इमामपुर, सराय इत्यादि मोहल्लों में खाद्यान्न सामग्री बांटे जा रहे हैं और इनका सिलसिला जारी है। ऐसे जिगर वाले लोगों को मानवता भी सलाम करती है, क्योंकि इस तरह की मदद करने में कई संस्थाओं के हौसले पस्त होते नजर आए हैं।